In this video, we'll check which stocks have come in our aftermarket scanner under the red, green bind strategy. So in this video series, we'll try to follow a particular execution pattern for our red, green bind stocks. So here you can see this is a breakout setup which we will be following for this particular strategy. So red band के ऊपर हमें buy करना है. So above the red band we are planning to buy and same ways हमें green band के नीचे हमें sell करना है. So below the green band we are planning to sell and prior day एक consolidation होना चाहिए. So now let us check on Trade Clue charts which stocks have followed this particular execution pattern from our red green band strategies. तो लेट अस चेक विच स्टॉक्स वर देयर अंडर द आफ्टरमार्केट रेड एंड ग्रीन बैंड स्ट्रेटेजी. सो हम यहाँ पे रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टॉक्स आ जाते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर स्कैनर. सो लेट अस चेक सीमेंस. सो सीमेंस बेसिकली हमने एक इंट्राडे ट्रेड भी दिया था हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए. सो जहाँ पे हम बेसिकली बाय कर रहे थे अराउंड 3615 लेवल, दैट वाज अराउंड द रेड बैंड जोन. सो जैसे आप देख सकोगे तो आज ऑलमोस्ट 3615 से ऑलमोस्ट आपको 3650 तक ये टारगेट जोन भी अचीव हो गया था. तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेड बैंड थे जो कि एक सेलिंग जोन है, अगर ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते तो फॉलो थ्रू हमें बाइंग देखने मिल जाती है. तो यही पर्टिकुलर ट्रेड था बेसिकली सीमेंस जहाँ पे हमें एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी मिला जहाँ पे आपको टारगेट भी अचीव हो गया. अभी जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जो बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि है ब्रिटानिया. सो ब्रिटानिया अगर आप देखोगे आज के दिन में तो इट इज ऑलमोस्ट अप 4% फ्रॉम आवर पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल्स. और सेम वेज आपको जो 4730 जो लेवल दिया था दैट वाज आल्सो अबव द रेड बैंड जोन व्हिच वाज गिवन इन द प्रीमियम ग्रुप. सो अब हम देखते हैं यहाँ पे अभी आप देख पाओगे तो ब्रिटानिया ऑलमोस्ट इट ओपन्स नियर टू द ब्रेकआउट लेवल और इसी के कारण आपको एक एडेड कंफर्मेशन हो जाता है कि इसको जो ब्रेकआउट है वो एक प्रॉपर वे में आने वाला है, क्योंकि ना ये गैप अप था ना गैप डाउन था एक्सट्रीम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वॉज नियर टू द ब्रेकआउट जोन. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये जो लेवल्स आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल लेवल्स यहाँ पे क्रिएटेड थे, मंथली रेजिस्टेंस, डेली रेजिस्टेंस एंड वीकली रेजिस्टेंस. अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई लेवल भी था. सो मैक्स कॉल ओआई लेवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे अगर कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाते तो सिस्टम में फॉलो थ्रू हमें ब्रेकआउट ट्रेड मिल जाएगा. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक्स कॉल ओआई रेड बैंड, और रेड बैंड तो नो डाउट आपको भी पता है कि अगर ये सेलर्स ट्रैप हो जाते सिस्टम में तो नो डाउट आपको एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल जाते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आ जाते हैं आपके एग्जीक्यूशन पे. तो एग्जीक्यूशन में इसमें बस आपकी इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक फॉलो थ्रू हमें साइडवेज जोन नहीं मिला है. तो अगर इस सर साइडवेज जोन मिल जाता था तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाता था, क्योंकि हम प्रॉपर क्वांटिटी के साथ इसमें ट्रेड कर पाते थे. बट यहाँ पे सिंस आपकी इनिशियल क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी और नो डाउट आपको उसकी टारगेट भी मिल गई. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक. सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प. सो हीरो मोटोकॉर्प आप जैसे देख सकते हो दिस वॉज द पिक्चर परफेक्ट ट्रेड जहाँ पे आपका रेड बैंड है, यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई लेवल भी है. सो मैक्स कॉल ओआई लेवल, रेड बैंड बेसिकली. सो ये अगर दोनों ट्रैप हो जाते हैं सिस्टम में तो नो डाउट हमें फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल जाती है. तो हमें हर लेवल पे बस यही देखना है कि अगर कोई भी बेसिकली सेलर्स हो या बायर्स हो तो ट्रैप होते तो हमेशा आपको अपोजिट साइड पे मूवमेंट देखने मिलेगी. तो इन केस ऑफ रेड बैंड इफ यू वांट टू ट्रेड द रेड बैंड देन मेक श्योर दैट प्राइस सस्टेन्स अबाउट द रेड बैंड और ब्रेक्स अबाउट द रेड बैंड एंड देन इनिशिएट योर ट्रेड. क्योंकि अगर ये जो रेड बैंड के बेसिकली सेलर्स है, ये बेसिकली सेलर्स डिपिक्ट करते हैं, तो अगर सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं सिस्टम में तो फॉलो थ्रू में ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगी आराम से. अभी आप देख पाओगे तो हमें फॉलो थ्रू एक बड़ा ब्रेकआउट मिल गया इस पर्टिकुलर ट्रेड में. सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉपर 20 मिनट्स की भी कंसोलिडेशन हो गई थी. तो ग्रीन डॉट्स है, कंसोलिडेशन है अबाउट द ग्रीन डॉट्स. तो ये भी आपकी जो स्ट्रेटेजी है ग्रीन डॉट्स की ये भी फॉलो कर रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेड, और नो डाउट ये रेड बैंड के ऊपर है. और फॉलो थ्रू आप देख पाओगे तो जैसे ही आपका ट्रिगर हो जाता है प्राइस इधर तो स्ट्रेट अवे इट गोज टू योर टारगेट जोन. तो ये पर्टिकुलर ट्रेड्स आपको एक एडेड कंफर्मेशन देंगे आपके ट्रेडिंग स्किल्स में और आपका बेसिकली जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्टअप होगा. तो इसी प्रकार के आपको अगर लॉजिकल ब्रेकआउट ट्रेड्स करने तो हमारे ट्रेड क्लू चैनल पे जरूर जुड़े रहिए. टिल देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फेलो ट्रेडर्स. थैंक यू.